वेनिस न्यूज लाइव पर आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। लापरवाही से हादसे के मुहाने पर खड़े नागरिक, 6 इंच खुदाई कर डाली दिया 11 केवी बिजली का केबल। गांधीबाग में सड़क कर महज 8 इंच खुदाई कर 11 केवी बिजली की केबल बिछा दी गई। महावितरण के ठेकेदार की इस लापरवाही से लोग हादसे के मुहाने पर खड़े हैं। 2 दिन पहले परिसर में बड़ा हादसा भी हुआ, जिसके बाद से लोगों की चिंता बढ़ गई है। वहीं महावितरण ने अब तक परिसर का निरीक्षण नहीं किया है। हमारी टीम ने गांधीबाग परिसर का जायजा लिया तो स्थित चिंताजनक नगर आई। केबल बिछाने के लिए खुदाई की गहराई कम होने से परिसर में करंट उतरने, वाहनों आवाजाही के लोड से बड़े स्पार्क आदि से बड़ा हादसा हो सकता है। गांधीबाग में डागा अस्पताल रोड के लाल इमली चौक से टांगस्टैंड चौक सड़क से सटक कर 11 केवी की बिजली केबल बिछाई गई है। हाल ही में इस मार्ग पर सीमेंटीकरण का काम हुआ है। इसके चलते रविवार की शाम ठेकेदार द्वारा गांधीबाग से सड़क से सटक कर गट्टू बिछाने के लिए खुदाई का काम शुरू करवाया था। इस दौरान नंगा पुतला के पास अचानक भयंकर स्पार्क हुआ। इस हादसे के बाद कई घंटे बिजली आपूर्ति प्रभावित रही, इससे खूब हंगामा भी हुआ था। बाद में खुदाई करने वाले ठेकेदार को जिम्मेदार बताया जाता है, लेकिन सड़क के सटक कर गट्टू बिछाने के लिए की गई खुदाई करीब 8 इंच है। महज इतनी ही गहराई में बिजली की केबल बिछाई गई है, इससे महावितरण के ठेकेदार की कार्य प्रणाली पर ही सवाल खड़ा हो रहा है। इस मामले की शिकायत महावितरण के संबंधित अधिकारी से करने वाली स्थानीय नगर सेविकाओं विद्या राजेश कन्हेर और सरला कमलेश नायक ने दावे से कहा कि सड़क से महज 8 इंच खुदाई कर केबल बिछा दिए गए हैं, जबकि नियमानुसार 1.25 मीटर गहरी खुदाई होनी चाहिए थी। शिकायत करने के बाद भी महावितरण ने परिसर और ठेकेदार की कार्य प्रणाली का निरीक्षण तक नहीं किया। इसके बड़े घोटाले की बू आ रही है। अधिकारियों और ठेकेदार के बीच साठ गांठ नजर आ रही है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वही दूसरी ओर फीडर बॉक्स से भी हादसे की आशंका। बिजली का केबल बिछाने के साथ ही ठेकेदार द्वारा सड़क किनारे इससे जुड़े फीडर बॉक्स भी बनाए हैं, लेकिन फीडर बॉक्स हवा का डंड से फिट तक नहीं किया गया है। पतंजल स्कूल के सामने लगाए गए फीडर बॉक्स को पत्थर पर भी रख दिया गया। कि वही तीसरी ओर 2-3 बार केबल डैमेज किया गया। नंगा पुतला परिसर में पानी की पाइपलाइन होने से थोड़ी सी जगह पर केबल ऊपर है, बाकी केबल को गहरा खोद कर बिछाया गया है। फीडर पिलर में जो केबल जाती है, गट्टू लगाने वाले कामगारों ने उसकी जगह को डैमेज कर दिया था। 2-3 बार केबल को डैमेज किया गया। इलाका बहुत संकरी है। गट्टू बिछाने वाले ठेकेदार द्वारा जेसीबी से खुदाई कर दी गई। काम के दौरान थोड़ी सावधानी बरती जा सकती है। केबल बिछाने का काम पूरा नहीं हुआ है, फीडर पिलर का भी काम बाकी है। फिर भी स्थानीय नगर सेवकों से मिलकर स्थल को निरीक्षण करेंगे। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। नमस्कार।